ये जो है टैबलेट, ये हमारे पोस्ट ग्रेजुएट के जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आया हुआ है। सेलफोन जो हमारे आया है वो अभी इस बार इकाना स्टेडियम में तो सैमसंग का दिया गया था, यहाँ जो आया है वो लावा का आया हुआ है। आपका परिचय मैम? मैं डॉक्टर शामिनी श्रीवास्तव, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी। मैम आज जो ये टैबलेट और मोबाइल वितरण हुआ है, आपका इसमें क्या योगदान है? फिरोज गांधी कॉलेज से टैबलेट जो डिजी शक्ति योजना है इसके लिए मुझे नोडल अधिकारी बनाया गया है और मेरे ही ऑब्जर्वेशन में इस कॉलेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है टैबलेट का और स्मार्टफोन का वो होगा। सर कितने टैबलेट और कितने स्मार्टफोन हैं? टैबलेट अभी हमारे जो डिजी शक्ति योजना के अंतर्गत हमारे जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं पोस्ट ग्रेजुएट के और अंडर ग्रेजुएट के, उनका नाम आया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट में, जिसके लिए टोटल जो हमारी संख्या है वो है 1686 स्टूडेंट। हाँ स्टूडेंट, जिसमें से 50 बच्चों का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो 25 दिसंबर को इकाना स्टेडियम लखनऊ में हो चुका है और यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है आज जो हो रहा है वो टैबलेट का हो रहा है, जो हमारे पोस्ट ग्रेजुएट के फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए 365 टैबलेट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और जो स्मार्टफोन है अभी वो अभी 1271 रखे हुए हैं, उनका भी डिस्ट्रीब्यूशन होना है जो अंडर ग्रेजुएट के फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनका। मैम छात्राओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए क्या कहना चाहेंगे स्मार्टफोन से रिलेटेड? ये जो योजना है इसको जो कोविड काल में प्रॉब्लम आई थी कि सारे स्कूल और कॉलेज बंद हो गए थे और ऑनलाइन एजुकेशन की बात चल रही थी, सारे एजुकेशन को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कर दिया गया था, तो वैसे बच्चे जो कि बहुत रिमोट एरिया से आते हैं जिनके पास ना तो टैबलेट है ना स्मार्टफोन है वो उस ऑनलाइन एजुकेशन के प्लेटफॉर्म में कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, तो इसी प्रॉब्लम को देखते हुए हमारी यूपी गवर्नमेंट ने ये डिजी शक्ति योजना को लेकर के आए ताकि जो बच्चे हमारे रिमोट एरिया के हैं या ऐसे फैमिली से हैं जिनके पास टैबलेट और स्मार्टफोन अवेलेबल नहीं है उनको ये अवेलेबल कराया जाए और ताकि वो भी ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से जुड़ सकें।